हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की जरूरत पड़ती है, जैसे वो हमेशा मुझसे लूडो में जीत जाता है, मैं डिबेट में उससे जीत गया, हमारी टीम उनकी टीम से जीत रही थी, क्या वो तुमसे चेस में जीत जाती है। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम किसी से जीत जाने के बारे में बात करते हैं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम विन ओवर समवन का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी से जीत जाना। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद विन ओवर आता है और लास्ट में नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आता है, जिसमें हम बेसिकली उसको मेंशन करते हैं जिससे जीत जाने के बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे हैं। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आता है, और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन आता है, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस, देम। यहाँ पर ये जो विन है, ये एज अ मेन वर्ब यूज होता है, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जैसे कि विन्स, वन, विनिंग। एक बात का ध्यान रखेंगे कि कई लोग यहाँ पर विन को पास्ट में वन की जगह वॉन बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत प्रोनंसिएशन है। इसको सही तरह से हम बोलते हैं वन। तो ये बात आप बहुत क्लियरली अपने माइंड में बैठा लेना। चलिए आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। वो हमेशा मुझसे लूडो में जीत जाता है। He always wins over me in Ludo. He always wins over me in Ludo. मैं डिबेट में उससे जीत गया। I won over her in debate. I won over her in debate. हमारी टीम उनकी टीम से जीत रही थी। Our team was winning over their team. या फिर Our team was winning over theirs. तुम मुझसे इस खेल में नहीं जीत सकते। You can't win over me in this game. You can't win over me in this game. क्या तुम मुझसे इस खेल में जीत गए? Did you win over him in this game? Did you win over him in this game? क्या वो तुमसे चेस में जीत जाती है? Does she win over you in chess? Does she win over you in chess? क्या वो सबसे जीत रहा था? Was he winning over everyone? Was he winning over everyone? अब एक सेंटेंस आपके लिए, मैं तुमसे क्रिकेट में जीत जाऊंगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।